हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टेम्पटेशंस एंड मैं हूं आपकी होस्ट बिंदु। आज हम बनाएंगे एक ऐसी सब्जी जो खाने में हेल्दी और न्यूट्रिशियस तो है ही है, साथ ही मिनटों में बन भी जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। वो है मखाना सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। फुल मखाने की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 कप फुल मखाने, 100 ग्राम के करीब डाइस में कटा हुआ पनीर, 3 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न, 6 टेबलस्पून के करीब टोमेटो प्यूरी जो कि मैंने पहले से ही भुनी हुई है, 2 टेबलस्पून के करीब फ्रेश मलाई। यदि आपके पास फ्रेश मलाई ना हो तो आप बाजार की फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं, 3 टेबलस्पून के करीब बॉइल्ड मटर और स्वाद अनुसार हरी मिर्ची और थोड़े से मसाले जो कि हमें आसानी से घर पर मिल जाते हैं। अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई, गैस की फ्लेम को ऑन करके उसमें फूल मखाने डालेंगे और लगातार चलाते हुए इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। हमें इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये कड़वे हो जाते हैं। हमें बस हल्का हल्का ब्राउन करना है। 1-2 मिनट में ही आप देखेंगे कि हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इन्हें बाउल में निकाल लेंगे। कढ़ाई को वापस से गैस पर रखेंगे, गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब घी। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मखाने की सब्ज़ी में घी का स्वाद ज़्यादा बेटर लगता है। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून देगी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, साथ ही इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी, मलाई और इन सबको अच्छे से स्टर कर देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें, पर मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए मैं डालती हूँ। इन सबको मिक्स करेंगे और इनमें ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न्स, बॉइल्ड मटर, हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही डालेंगे क्यूब्स में कट किया हुआ पनीर और 1 टेबलस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ इसमें पानी। जिस कटोरी में मैंने मलाई ली थी उसी में मैंने पानी लेकर इसमें डाल दिया है। अब इन सबको अच्छे से करेंगे मिक्स। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून पेपर और फिर से एक बार स्टर करके इसे ढककर 1 से 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम सब्जी को चेक कर लेंगे। वाओ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी लग रही है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी दरदरा लाल मिर्च, मैं 1/4 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब लास्ट में डालेंगे मखाने और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, पर ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। हमारी फुल मखाने की सब्ज़ी बन कर के तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में डालेंगे और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स या धनिए के साथ जैसा आप चाहें गार्निश कर सकते हैं। तो अब आप इसे बनाइए, खाइए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।